मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्टैंडर्ड 8 सब्जेक्ट संस्कृत, चैप्टर नंबर 7 सुभाषित। हमने फॉर सुभाषित तक पढ़ा था। पहले सुभाषित में हमने देखा था कि पुस्तके सुविधा विद्या पर हस्ते सुन कार्य कार्य समुपते न विद्या सा, यानी कि हमने समझा था कि पुस्तक में रही हुई विद्या और दूसरों के हाथों में रहा हुआ धन जब योग्य टाइम पर जो काम आने वाला हो तब वो काम में नहीं आता है, ऐसा उसका अनुवाद होता है। वृक्ष फलार्वन्ति भ्रान्ति वृक्षं गृह्णन्ति कपि वृक्षेण वायते ताप जलं वृक्षायते वृक्षात् वदन्ति प्राणानि वृक्षस्य प्रसरो महाराज वृक्षे फलानि पुण्यति वृक्षे गन्धस्ति उदरे, यानी के वृक्ष के यहाँ महिमा बताया गया है। वृक्ष जो है वो फल देते हैं, फ्रूट देते हैं। वृक्ष को कभी जो मन की बानर होते हैं वो हिलाते हैं। वृक्षे वायते ताप हे जो ताप गर्मी होती है वो वृक्ष क्या करता है, जेल देता है और उनको अंदर देता है। जले जलम वृक्षाय दीयते वृक्ष क्या देता है, पानी देता है, वाटर देता है। वृक्ष के पर्ण जो पान होते हैं लेवेज होते हैं जो गिर जाते हैं फिर भी वृक्ष कभी भी शोक नहीं मनाता। वृक्ष की धन्यता महान है, वृक्ष फैला हुआ है, ऐसा दूसरा हमारा श्लोक था उसका इस प्रकार से अनुवाद हुआ। तीसरा हमने पढ़ा था न कश्चित कश्यचित मित्रम न कश्चित कश्यचित रिपु व्यवहारेण ही जायते मित्राणि रिपवस्त्र, यानी कि न कोई किसी का मित्र है और ना कोई किसी का दुश्मन है, ना कोई किसी का फ्रेंड है और ना कोई किसी का दुश्मन है। रिपु का मतलब दुश्मन होता है यहाँ और व्यवहार है उसका बिहेवियर। अगर आपका बिहेवियर जैसा हो वैसा ही आप मित्र बना सकते हैं और वैसे ही आपके दुश्मन बन जाते हैं। तो आपका बिहेवियर इस प्रकार मित्र, उस प्रकार दुश्मन। मैंने उसके बारे में कभी जरा की एक दोहे की पंक्ति बताई थी कि कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना ही किसी से दोस्ती और ना ही किसी से बैर। कबीर खड़े बाजार में, हमारे एक हिंदी में ही उसका ये दोहा है, तो कबीर बाजार में खड़े हैं और सबकी खैर खैर मांगते हैं, सब अच्छे कुशल ऐसा भगवान से, नहीं किसी से दोस्ती है नहीं किसी से बैर, किसी के साथ दोस्ती भी नहीं किसी के साथ बैर, ऐसा व्यवहार कबीर का है। कबीर के आधार से या संस्कृत में भी ये बताया गया है कि हम अपने व्यवहार से अपने बिहेवियर से दुश्मन और मित्र बनाते हैं। फिर चौथे नंबर पर हमने देखा था कि पिबंती नजर स्वयमेव नाव, पिबंती नजर स्वयमेव नाव स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षा नादन्ति सस्यं खलु वारि वाहा परोपकाराय संता विभूतये, यानी कि जो रिवर नदी होती है वो खुद अपना पानी पीती नहीं है। फिर वृक्ष ट्री होता है वो खुद अपना फ्रूट खाता नहीं है। फिर बादल क्लाउड्स, जो बादल जो है वो बरसते हैं और जो अन्न संस्य अन्न जो ग्रेन जो उगता है वो खुद खाता नहीं है। तो यहाँ परोपकार की बात है, परोपकार का मतलब होता है दूसरों को कुछ ना कुछ देना। यहाँ संत जो होते हैं, जो संत होते हैं वो इस विभूतय यानी कि इस धरती पर परोपकार वाले होते हैं, ना वो कोई किसी को किसी का कुछ रखते नहीं है और अपने पास जो है वो ज्ञान बांटना, नॉलेज बांटना,
हम थोड़े लालची हैं, हम कुछ ना कुछ ना कोई मानता है तो नहीं देते, हमारा नहीं है फिर भी वो तो ये सब कुछ अपने पास है खुद का फिर भी वो यूं ही बांट देते हैं। यहाँ एग्जाम्पल नदी का बताया है, वृक्ष का बताया है, बादल का बताया है कि ये सब कुछ उनके पास होते हुए भी वो अपने पास स्टॉक नहीं रखता है, वो बांट देता है, दूसरों की हेल्प करता है। हमें भी इसी प्रकार एग्जाम्पल लेकर हमें दूसरों की हेल्प करनी चाहिए, यूं ही हमारे पास कोई चीज रखनी नहीं है, दूसरों को बांटनी है। संत हमेशा परोपकारी होता है यहाँ बताया। अब आगे हम पांचवें नंबर पर जाते हैं, गंगा सिंधु सरस्वती च यमुना। गोदावरी नर्मदा कावेरी सरयू महेंद्र कन्हैया चरमणवती वेदिका। शिपा वैत्रवती महा सुर नदी ख्याता जया गंडकी। पूर्ण पूर्ण जले समुद्र संहिता कुर्वन्तु मे मंगलम। पांचवें नंबर का हमारा ये श्लोक है। ये जो सभी नाम यहाँ पे मैंने आप लिखे वो सब यहाँ नदी के नाम परिवर्तित है, गंगा सिंधु सरस्वती च और यमुना गोदावरी नर्मदा कावेरी सरयू महेंद्र कन्हैया चर्मवती वेदिका शिपा वैत्रवती महासुर नदी की ख्याता यानी कि पॉपुलर है च। ये यहाँ पे या है, यहाँ पे आता है च, हम उच्चारण करते हैं च या, इसमें ज का उच्चारण साइड में हो जाता है संस्कृत में इस प्रकार। तो ये जया है, क्या है जया और गंडकी पूर्ण पूर्ण जले, यानी कि वो पूर्ण सभी नदियां है वो समुद्र संहिता यानी कि पूरी की पूरी जो नदी है वो शिव में समुद्र में मिलकर हमारा मंगल करे, हमारा मंगल करे। तो ये सारी जो नदियां है, जो नदियां यहाँ में नाम बताए हैं, अगर आपको पूरा का पूरा नाम सभी नदियों का ना रहे तो कुछ नदियों का नाम याद रहे, वो जैसे गंगा सिंधु सरस्वती सरयू कावेरी वेदिका चरमवती यमुना नर्मदा गोदावरी, इसने इतने सारे बहुत सारे नाम है वो सारा आप याद कर लेना। गंगा सिंधु सरस्वती और यमुना गोदावरी नर्मदा कावेरी सरयू महेंद्र कन्हैया चरमवती वेदिका शिपा वैत्रवती महासुर नदी की ख्याता यानी कि प्रफुल्लर है जया और गंडकी उसके साथ जुड़ी हुई है।
मिथया और गंडकी पूर्ण पूर्ण जल है वो पूरी की पूरी नदियां है उस समुद्र में मिलकर हमारा कल्याण करे। ये जो सुभाषित है वो नदियों के बारे में था, रिवर के बारे में। अब आगे दृष्टम दृष्टम पुनरपि पुनः चंदनम चारु गंधम फिर लिखा है छीनम छीनम पुनरपि पुनरपि का मतलब होता है अगेन बार बार पुनः चंद्र सॉरी पुनः स्वादु चेवेक्षु दंडम चेवेक्षु दंडम जो सुगर नर जिसको स्टिक कहते हैं सुगर गैंग कहते हैं जो अभी आएगा इस सेशन में सब उसको पिएंगे। दग्धम दग्धम पुनरपि अगेन बार बार पुनः काचनम कांतवर्ण न प्राणांत प्रकृति विकृति जायते प्राणांत प्रकृति विकृति जायते सज्जना सिक्स नंबर का ये जो लास्ट होगा। अब देखो यहाँ पे बताया है कि दृष्टम दृष्टम पुनरपि पुनः चंदनम चारु गंधम छीनम छीनम पुनरपि पुनः स्वारु चवेक्षु दंडम दग्धम दग्धम पुनरपि पुनः कांचनम न प्राणान कांत वर्णन न प्राणान प्रकृति विद्युति जायते संज्ञा नाम। बार बार पुनरपि मीन्स अगेन ओके अगेन बार बार चंदन को जो चंदन होता है उस चंदन को दृष्टम दृष्टम यानी कि घिसना चंदन को घिसना चंदन को कोई स्टोन पत्थर पर इस तरह से घिसते हैं रूबी जिस प्रकार घिसते हैं उस घिसना उसको कहते हैं दृष्टम दृष्टम पुनरपि बार बार चंदन को घिसने से चारु गंधम उसमें क्या होता है सुगंध ऐसा नहीं घिसने से वो चला जाता है नहीं घिसने से सुगंध आती है बार बार चंदन को आप घिसोगे तो उसमें से क्या आएगी स्मेल आएगी सुगंध आएगी। छीनम छीनम पुनरपि पुनरपि का मतलब फिर से आगे बार बार क्या करने से तो क्या कट कट करने से छिंगम मीन्स कट कट या पीले उसको कट करना या उसको पीनना जैसे
हमारे अब समर टाइम पर सब ज्यादा लोग जो है गन्ना कहते हैं उसको हिंदी में गन्ना, गन्ने का रस पीते हैं जिसको कहते हैं शुगर के, जो गुजराती में हमारा होता है शेर के, तो वो उसका जो रस होता है तो गन्ने का रस, तो क्या छिन्नम बार बार उसको कट करने से स्वादु जवेक्षु दंडम, जवेक्षु दंडम का मतलब गन्ना होता है ओके, जो शुगर के होता है वो क्या होता है बार बार उसको पीसते हैं। आप अगर गन्ने का रस पीने के लिए जाते हैं तो क्या होता है बार बार उसको, एक बार निकाला, दूसरी बार निकाला, तीसरी बार क्या होता है मीठा लगता है, बार बार रस निकालने से वो मीठा होता है। तो बार बार यानी कि अगेन टू अगेन उसको क्या करने से, घिसने से चंदन जो है वो स्मेल देता है, बार बार कट करने से या फिर उसको क्लिप दबाने से पुनः बार बार वो स्वादु यानी कि मीठा लगता है। दगदम दगदम पुनर्पि, पुनर्पि मीन्स अगेन, बार बार क्या करने से, तो के दगदम, दगदम का मतलब होता है यहाँ पे हीटेड, जो हम गर्म करते हैं ओके, तो गर्मी, तो बार बार दगदम दगदम पुनर्पि, कांचन, कांचन का मतलब होता है सोना, सोनू जो होता है उसको बार बार गर्म किया जाता है तो क्या होता है वो और उसका रूप निखर आता है। अगर सोने को देखो तो सोने को जितनी बार उसको हीट कर दिया जाए तो उतना वो ज्यादा से ज्यादा गोल्डन कलर में निखर आएगा। तो यहाँ जो सोना है उसको बताया है कि वो सोना ही रहता है। तो यहाँ पे तीन उदाहरण है जब हमें बताए गए हैं, पहला है चंदन का, दूसरा है यहाँ पे चवेक्षु गंडम यानी कि गन्ने का, सुगर केन का, और तीसरा है गोल्ड सोने का। तो ये तीनों एग्जाम्पल से हमें पता चलता है कि न प्राणांत प्रकृति विकृति जायते संजाना, लास्ट में जो सेंटेंस है वो बताता है कि न प्राणांत प्रकृति विकृति जायते संजाना, यानी कि जिसके गुण जिस प्रकार के होते हैं वो प्राण जाने के बाद ही जाते हैं वरना वैसे के वैसे रहते हैं, और प्रकृति जिसकी वो प्रकृति वैसे के वैसे ही रहती है। अच्छे लोगों की प्रकृति अच्छी, बुरे लोगों की प्रकृति बुरी, प्रकृति प्राणांत जाते हैं यानी कि प्रकृति मीन्स बिहेवियर, हमारा जो वर्तन है वो हम मरते हैं उसके बाद ही जाता है वरना नहीं जाता। जैसे कहते हैं कुत्ते की पूंछ टेढ़ी तो वो ऐसे ही ऐसे रहती है, उसको दफन कर दो फिर बाहर निकालो फिर टेढ़ी की टेढ़ी रहती है। तो यहाँ बिहेवियर जिसका वर्तन चारु वंदनम ये बार बार उसको इस प्रकार से किया जाता है फिर भी वो वैसे का वैसा ही रहता है। यहाँ सुभाषिता से हमें ये पता चलता है कि अच्छे अच्छे गुण प्राप्त करना अलग अलग प्रकार के एग्जाम्पल देकर यहाँ बताया गया है। तो हमारे ये सिक्स सुभाषिताएं थी, अब सिक्स सुभाषिताएं में हम पहले से लेकर सिक्स तक थोड़ा शॉर्ट में आंसर बता देते हैं। पहले में हमने बताया था कि दूसरों के हाथ में रहा हुआ धन, दूसरों के पुस्तक में रहा हुआ नॉलेज स्वीकार करना, दूसरों में वृक्ष का महिमा है, प्रेम की बात बताई है, फिर तीसरे में बिहेवियर की बात बताई है, फिर चौथे में खुद बांटने की बात बताई है, फिर पांचवे में ये सब नदियाँ हैं उसको उसकी बात बताई है, सिक्स में ये बात बताई है कि जिसका जैसा प्रकृति जैसा वर्तन है तो वो भी बिहेवियर की वैसा वैसा रहता है, और ये सब कुछ एग्जाम्पल देकर बताया गया है ओके। तो यहाँ जो हमारा चैप्टर है सुभाषितानी वो हम पूरा करते हैं, और उसके बारे में थोड़ा नेक्स्ट आगे हम एक्सरसाइज लेंगे सुभाषितानी के बारे में। सुभाषितानी में हम थोड़े इस
समझेंगे, फिर ड्रॉइंग बोर्ड समझेंगे। चलो यहां पहला बताया है तनोदसी, ओके, तो इसको हम बोलते हैं धन्योसी। क्या बोलेंगे? धन्योसी। ये द नहीं है मगर इसको हम अकारांत में अ बोलते हैं, तो इसको बोलेंगे धन्योसी। तो इसका यहां पे जॉइंट डिजॉइंट करेंगे धन्य प्लस असी ऐसे, ओके। फिर यहां दूसरा यहां लिखते हैं कश्य चिन मित्रम, कश्य चित, ये द्र है वो द्र के साथ द और र दोनों जो है संयुक्त अक्षर से बना हुआ है, इसीलिए द लगता है। कश्य चित मित्र। फिर तीसरा स्वयं तो स्वयं प्लस एव, ओके। ये स्वयं है उसके नीचे लाइन करके ये जो अकारांत है आगे निकलना है और एव लगाना है, स्वयं में एव और मंजर का पुनरावी पुनः फिर अपनी। ये पुनः ऐसे बोला है, इसको इस प्रकार से लिखना है पुनरावि, ओके। तो यहां पुनर फिर अपनी, तो ये यहां पे अश्व जो बताया गया है उसको अकारांत के साथ जोड़ना है, पुनर उसके साथ अकारांत का उच्चारण होना है और फिर विसर्ग लगाना है पुनर अपि, ओके। फिर फाइव नंबर पर है चौतमाना, तो यहां पे हम बनते हैं च प्लस उत्तमाना, च में उसके साथ च आगे ले जाना है और ओ है उसका हम उच्चारण करेंगे, तो चो ऐसा उच्चारण होता है, चो ऐसा उच्चारण होता है, तो चो का उ आगे निकल जाएगा च पीछे आ जाएगा, तो च प्लस उत्तर माना, ये त के बाद उसका जो पूरा जो वर्ड है वो लिख लेना है और आगे उ का उच्चारण होता है वो लिख लेना है, च प्लस उत्तर माना, तो बराबर चौतमा नाम इस प्रकार। फिर ऐसे दो तीन लिखते हैं च केवेक्षु केवेक्षु दंड, ये लिखते हैं थोड़ा केवेक्षु दंड, तो इसमें च प्लस यहां पे एव प्लस इक्षु
दंड। ओके यहां इसका अलग होता है। च फिर ये दोनों मात्राएं है वो ए हो गए। ओके च चे ऐसे बोलते हैं, बोलते हैं चे वो, तो चे वो बोलेंगे तो जो आगे निकल आएगा ए वो बोलेंगे तो वो तो जुड़ा ही है, तो यहाँ ए आगे निकल आया है, ए च प्लस ए प्लस यहाँ ऊपर है वे, वे है ना, तो वे का मतलब आप बोलेंगे तो भी अ का उच्चारण होगा वे, तो वाक पीछे अ का ए का उच्चारण होगा एव हुआ, तो जेव च प्लस ए प्लस पीछे इक्षु दंडम इस प्रकार इसका आएगा। ये आप याद कर लेना, तुम्हें एग्जाम में पूछने पूछ सकते हो। ओके चलो इस प्रकार का जो डिजॉइन वर्ड आएगा वो आपको तैयार करना है। फिर यहां एक लास्ट में ले लेते हैं, प्रेजेंट टेंस वाला यहाँ थोड़ा वो बोलेंगे एग्जाम्पल तौर पर, एग्जाम्पल यहाँ पे पहले लिखता हूँ पत पतंती। ओके तो पत मीन्स पतंती, इसी प्रकार यहाँ हम लिखेंगे बेला पा और पी, तो इसे एग्जाम्पल से हम लेते हैं पी बनती, ऐसे पी बनती ड्रिंक। फिर दूसरा खाद से हम यहाँ पे अंति अंति लगा रहा है, जैसे देखेंगे खादन। ओके एट। फिर तीसरा गर्ज, तो हम लिखेंगे गर्जन ती। फिर फोर नंबर पर है वर्ड, ऐसा वर्ड होगा तो हम इसको लिखेंगे वदंती। मिस बोलते हम स्पीक करते हैं। फाइव नंबर पर है लिख, तो हम लिखेंगे लिखंती। राइट चलो इस प्रकार से अगर कुछ ऐसे आपको वर्ड बताए गए हो और इस प्रकार का एग्जाम्पल ऊपर दिया गया होगा तो आप इस प्रकार से उसको लिख सकते हैं। ओके तो इस लेसन में सुभाषित आने में हमने सुभाषित पढ़े और साथ साथ